सो दिस इज़ द की, वी प्रेस इट, यहाँ पे ये दिखाएगा कि सिग्नल सेंड हुआ है, देन वी क्लिक दिस, बाइक विल बी अलाइव एंड देन मास्क लेके आया हूँ यार, मास्क खत्म हो गए एंड इट्स वेरी वेरी रिस्की टू वंडर विदाउट मास्क। तो मास्क के ऊपर ये शील्ड जब हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो यार मैं यूज़ करने लगा हूँ। ये मुझे स्टील बर्ड ने भेजी थी, बड़ी स्मार्ट लगी मुझे। इसके अंदर ये ऑक्स का कनेक्शन है एंड फ़ोन में आप ऑक्स कनेक्ट करो, यहाँ पे बटन है, सो बटन से आप कॉल पिक और कॉल कट कर सकते हो। यहाँ पे स्पीकर्स लगे हुए, माइक भी इसी के अंदर सेटअप है और वॉइस क्लियर जाती है। तो इस तरह से पहन लेता हूँ मैं इसको। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मेरे दिल की धड़कन थोड़ी सी बढ़ी हुई है, आई मीन कल शाम से ही बढ़ी हुई है। सो आई विल मेंशन विश्वेंद्र सिंह अपने भाई हैं, मतलब ही इज़ अ सब्सक्राइबर ऑफ दिस चैनल बट ही इज़ इन टच विद मी रेगुलरली। तो कल इवनिंग में मैसेज आया इंस्टाग्राम पे कि भाई आई गेस फायर ब्लेड नई वाली ट्रिपल आर आ चुकी है, और मेरा ध्यान तभी गया। आजकल मैं थोड़ा सा ऑफ भी चल रहा था, मैंने सिर्फ 3 वीडियो बनाई है पूरे सेप्टेम्बर में, और वो भी मोस्टली इस वाले चैनल की थीम पर नहीं थी वो वीडियोज़। तो मैंने तभी चेक किया एंड इंस्टेंटली मेरे सामने वो अपना जो गुड़गांव वाला बिग विंग है वहाँ पे उनके एक्चुअली सर्विस सेंटर में PDI होती हुई फायर ब्लेड ट्रिपल आर का फ़ोटो मैंने देखा, तुषार ने डाला हुआ था। तो मैंने फटाफट से तुषार को कॉल किया, फ़ोन नहीं मिला, देन आई एक्चुअली मैसेज नवीन। तो नवीन ने बोला कि हाँ भाई बाइक आ चुकी है और इवनिंग में आई गेस 6-7 बजे तक पहुंच भी जाएगी। तो वो लोग पूरे एक्साइटेड थे, एक बहुत बड़ा लॉन्च है ये। अब जो बाकी चीज़ें हैं, कितने लोगों की रीच में है क्या नहीं है, वो अलग चीज़ है यार। इट्स अ स्पेशल मोटरसाइकिल और फायर ब्लेड जो रही है हमेशा से, दिस इज़ वन ऑफ दी यू कैन से क्लासीएस्ट लीडर क्लास मोटरसाइकिल। तो 1992 में ये जो फायर ब्लेड मोनिकर है ये 1992 से ऑन है। तो सबसे पहले फायर ब्लेड जिसको बोला गया था वो थी CBR 900 RR, उसके बाद 2004 में वो 1000 RR हो गई थी और अब 2020 में वो 1000 RRR हो गई है। तो है फायर ब्लेड ही। एक्साइटेड, दिल की धड़कन बढ़ चुकी है मेरे में, पहुंच गया हूँ बिग विंग। ये ABW, यस आई गेस ABW टावर है ये, और इसके अंदर KTM एंड होंडा। डन, देखो इसके वो खुल गए ना फेफड़े।
दिस इज द डिस्प्ले, ये शुरू हो रहा है 5000 से, दैट मीन्स 4000 आरपीएम की आप चिंता मत करो बिल्कुल, दैट्स ऑफ नो वैल्यू। और अभी टेम्परेचर 82 डिग्रीज है, और लेट मी सी, इसमें जो एग्जॉस्ट लगा हुआ है बाइक में, दिस इज एन एक्राफोविक स्पेशली मेड फॉर फायर ब्लेड, और यहाँ पे है बटरफ्लाई वॉल्व। सो एक स्पेसिफिक आरपीएम के बाद में अराउंड 6000 आरपीएम दिस विल ओपन अप एंड हियर द साउंड, गेम चेंज हो जाएगा बिल्कुल। सो 5000 नथिंग इज हैपनिंग एंड आफ्टर दिस सी। And this is the button to switch it off. Oh, sorry. 330 mm के disc rotors हैं इसके अंदर। स्विच इट ऑफ, इसको घुमाएंगे हम लोग एंड द डिस्प्ले विल गो ऑफ। ये देखो, सो दिस इज समथिंग डिफरेंट, बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है इस मोटरसाइकिल का। सो इसके ये वाले फोब्स हैं, दीज फोब्स, तो अब ये कीलेस हो गए, मतलब स्टैंडर्ड वाली फायर ब्लेड भी कीलेस है और एसपी भी कीलेस है। तो इसके अंदर लेट्स सी, ये वाला, ये फ्लिप की है इसकी। सो ये आपका गैस टैंक ओपन करने के लिए, सीट ओपन करने के लिए, इन चीज़ों के काम ये अब आएगी, उसके अलावा बाइक को चलाने के काम ये नहीं आएगी। और जो ओवरऑल शेप है बाइक की, बड़ी यूनिक है। तो अब की बार दिस इज़ समथिंग एल्स, दिस इज़ नॉट द ओल्ड फायर ब्लेड। शोवा बीपीएफ बिग पिस्टन फोक्स, ये वाला सेक्शन बिल्कुल क्लीन। सो अगर फ्रंट से देखा जाए तो फायर ब्लेड वॉज ऑलवेज अ ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल, और अभी भी मतलब रेडिकल हो गई है और ज़्यादा, बट स्टिल इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी कॉम्पैक्ट मोटरसाइकिल। और ये स्टैंडर्ड वाला मॉडल है, दिस कलर स्कीम इज स्पेशल होंडा HRC कलर स्कीम, और ब्लैक भी इसके अंदर आता है। तो इसके जो मेन हाईलाइट्स हैं, जैसे अभी हम लोगों ने साउंड सुना, साउंड वॉज अमेजिंग। और उसके साथ में ये हैं इसके इंडिकेटर्स, मिरर्स बहुत ही ज़्यादा रेसी मिरर्स हैं इसके। सो आप देखोगे हॉरिजॉन्टल ही दिखाई देंगे बिल्कुल इस तरह से, सो इट्स नॉट लाइक की स्टेम है जो ऐसे ऊपर को जा रहा है, इट्स हॉरिजॉन्टल। ये एक शानदार रैम इनटेक उसके साथ में, साइड में LED लाइट्स। बहुत स्लीक हैं बट पावरफुल हैं। और उसके साथ में ये पोजीशन लैंप्स हैं जो अभी आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये पोजीशन लैंप्स हैं। तो बाइक कितनी वाइड है इन मिरर्स के ऊपर लगे इंडिकेटर से पता लग जाता है। तो सो कैलिफोर्निया में आई गेस दिस इज़ मैंडेटरी, और वर्ल्ड में आई गेस हर जगह पे मैंडेटरी नहीं है। और अब ये कीलेस है, तो यहाँ पे इसका एक बटन है, अगर आप इसको आगे की तरफ टर्न करते हो तो बाइक ऑफ हो जाती है, और अगर आप इस बटन को प्रेस करते हो सिर्फ तो बाइक वापस से पावर मोड में आ जाती है। और एक बड़ा किंकी सा मिरर स्टाइल है इसका, मतलब ऐसा मिरर मैंने पहले नहीं देखे थे बाइक्स में। सो लुक, द डिज़ाइन इज़ वेरी डिफरेंट, और बाइक बहुत ही कॉम्पैक्ट है अगर देखा जाए तो। जो ये अपना इंडिकेटर एंड लाइसेंस प्लेट होल्डर है, काफ़ी पीछे तक जा रहा है, सॉर्ट ऑफ 1 फीट लॉन्गर देन दैट। और बाइक फिनिश हो रही है यहाँ पे, और टायर जा रहा है यहाँ तक। ये बहुत स्पोर्टी एक्चुअली पार्ट होता है बाइक का, व्हेन टायर गोज वे बिहाइंड देन दी टेल लाइट। ये की फोब्स हैं, ये इसके ऊपर वायरलेस की का आइकन बना हुआ है, सो यू प्रेस इट, ये बाइक को सेंस करा देगा कि यू आर नियर बाय, और उसके बाद में यू कैन गो एंड क्लिक दैट बटन। यहाँ से ये इस तरह दिखाई देती है। तो उसके साथ में एक बड़ा शानदार टच जो है वो है इसका, ये जो विंगलेट्स हैं हाइडन है साइड में से, तो यू कॉन्ट इवन नोटिस कि इसमें कुछ ऐसा है यहाँ पे, पर जब आप सामने आओगे तो यू कैन क्लियरली सी कि देर आर
विंगलेट्स, हिडन विंगलेट्स। सुपर कॉर्सा टायर्स हैं इसके अंदर, पिरेली सुपर कॉर्सास, और उसके साथ में निसिन के 4 पिस्टन रेडियली माउंटेड कैलिपर्स। सो बीपीएफ में क्या होता है, यू एडजस्ट प्रीलोड ऑन द फोक्स, ऑन बोथ द फोक्स लेफ्ट एंड राइट यहाँ पे, और कंप्रेशन और रीबाउंड आप एडजस्ट करते हो यहाँ पे। सो दिस इज रीबाउंड, दिस इज कंप्रेशन, एलईडी इंडिकेटर्स, और शानदार एक्रापोविच टाइटेनियम एग्जॉस्ट। सो ये होमोलोगेटेड पाइप है, यू कैन कीप इट, और ये जैसे जैसे आप हाई स्पीड में पहुँचते हो तो दिस एक्चुअली जनरेट्स अमेजिंग साउंड। सो स्पेसिफिक एक्रापोविक साउंड जो कि फेमस है, वर्ल्ड फेमस है, मतलब ये एक्रापोविक पाइप्स का क्या रहता है, दे आर साइलेंट व्हेन यू आर राइडिंग इन टाउन, एंड व्हेन यू आर पुशिंग द बाइक दीज एक्चुअली यू नो गेट्स क्रेजी क्रेजी शार्प एंड लाउड। पीछे इसमें BFRC है, दिस ऑल्सो हैव द फुल एडजस्टेबिलिटी। ये जो दो स्क्रूज हैं यहाँ पे ये वाले, सो दीज आर रीबाउंड एंड कंप्रेशन। स्टैंडर्ड फायर ब्लेड के अंदर वी डोंट गेट अ क्विक शिफ्टर एंड ऑटो ब्लिपर एक्सेसरी है। एक चीज़ जो मुझे बड़ी यूनिक लगी होंडाज में, इनके फुट पिक्स बड़े स्मॉल हैं, सो थोड़ी सी क्लियरेंस बढ़ती है। अगर यहाँ तक फुट पेग होगा तो व्हेन यू आर लीन्ड ओवर तो उस टाइम पे इट विल टच द ग्राउंड वेरी इजीली, तो सही है, दिस इज स्मॉल वन। ये एक बड़ा लाइट वेट और शानदार स्टैंड है, आई डोंट नो किस मटेरियल का बना हुआ है, बहुत ही लाइट है एंड दिस कैन नेवर रस्ट। सो जो मटेरियल यूज़ किया गया है दिस कैन नेवर रस्ट। सो ये है 2020 फायर ब्लेड RRR CBR 1000 RRR। अब की बार बहुत ज़्यादा प्रीमियम हो गई, आई नो ग्लोबली भी इस टाइम पे सबसे प्रीमियम लीटर क्लास मोटरसाइकिल है। प्राइसिंग की बात करो चाहे चेंजेस की बात करो, क्योंकि अब की बार बाइक बिल्कुल ग्राउंड अप है, ज़ीरो से होंडा ने बाइक को प्रोड्यूस किया है, पुराने वाली बाइक से किसी भी लेवल पे बाइक किसी तरह से मैच नहीं करती, और उसी वजह से दिखता भी है कि अभी यू नो जो एग्जॉस्ट इन्होंने बाइक में डाला हुआ है, दिस इज होमोलोगेटेड पाइप एंड दिस इज $3,000 ऑप्शन अगर हम लोग आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट इस तरह का लेने की मार्केट में कोशिश करते हैं तो। और बटरफ्लाइज खुलने के बाद में आई डोंट थिंक कि किसी को अपग्रेड की ज़रूरत भी पड़ेगी इसके अंदर। सो दिस इज़ एक्सपेंसिव इन इंडिया, थोड़े से प्राइजेस प्रीमियम साइड पे हैं, बट फॉर श्योर सबको पता था कि एक्सक्लूसिव ही रहने वाले बाइक, सो देर आर वेरी फ्यू पीपल हु विल गो फॉर इट, क्योंकि द प्राइस इज ऑन द प्रीमियम साइड, बट दिस इज़ एन अमेजिंग मोटरसाइकिल। मैं बिल्कुल मरा जा रहा था इसको देखने के लिए, आई वॉज वेटिंग फॉर दिस फ्रॉम अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। तो शाम को मुझे दिखाई दिया कि भाई बाइक आ गई, तो आई केम फॉर लुक एंड आई एम रियली इम्प्रेस। मतलब क्वालिटी जो होंडा की है यू कैन क्लियरली फील इट, प्लास्टिक पार्ट्स भी क्रीक नहीं करते कहीं से भी, द क्वालिटी इज अमेजिंग, एवरीथिंग प्लास्टिक्स एंड बटन्स एंड यू नो मिरर्स या फिर चैसी एग्जॉस्ट की क्वालिटी तो मतलब वर्ल्ड अपार्ट है, एंड दिस इज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल। नवीन एक्स शोरूम प्राइस 32.16 फॉर ब्लैक कलर, 32.68 फॉर रेड कलर, एंड SP मेरी तरह थोड़ा सा थिक नहीं है नवीन, सो अभी जो पोजीशन है उसकी बाइक पे, या सो नवीन दोनों पैर जमीन पे बिल्कुल, सो ही इज़ लाइक दिस। सो थोड़ा सा अगर 5 feet 10 inches का राइडर है तो ही विल फ्लैट फिट ऑन बोथ साइड्स। सो दोस्तों ये थी 2020 फायर ब्लेड CBR 1000 RRR, और RRR का पूरा वेट किया जा रहा था इंडिया में, सो दिस इज़ द बाइक। और सस्पेंशन की फील की अगर बात करें तो दिस इज़ क्वाइट स्पोर्टी, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है इसके अंदर इन द स्टॉक फॉर्म इटसेल्फ। गेम क्या होता है कि व्हेन ब्रांड यूजेस द सेम सस्पेंशन ऑन अ नेकेड और ऑन अ सुपर स्पोर्ट तो उनके जो स्प्रिंग रेट्स होते हैं बिल्कुल अलग अलग होते हैं, सो इसके स्प्रिंग रेट्स हैं थोड़े से स्टिफ हैं, एंड व्हेन यू सिट ऑन इट बाइक ज़्यादा मूव नहीं करती, देर इज़ नो यू नो बिग सैग व्हेन यू सिट ऑन इट, सो इट क्लियरली दिखाता है कि दिस इज़ अ वेरी रेसी मोटरसाइकिल। उसके साथ में अगर मैं फील की बात करूँ तो इट फील्स क्वाइट स्पोर्टी, फुट पिक्स आर क्वाइट हाई। अगर मैं अपनी बाइक से कंपेयर करूँ विच इज़ अ ZX6R, सो फुट पिक पोजिशन इज सॉर्ट ऑफ सेम, बट क्लिप ऑन्स आर लो एंड द रीच इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ सेम, सो या रेसियर देन दैट
एंड फॉर श्योर मोर वे मोर पावरफुल देन दैट बट आई कैन रिलेट टू इट द साइज इज सॉर्ट ऑफ सेम. 6R में क्या है कि दिस फेयरिंग इज लिल मोर फर्दर तो आपको थोड़ा सा और यहाँ पे स्पेस दिखाई देता है एंड दिस मोटरसाइकिल इज फीलिंग लिल कॉम्पैक्ट क्योंकि क्लिप ऑन्स के बाद में देर इज नॉट मच स्पेस. सो थोड़े से अर्गोज में डिफरेंसेज हैं इस तरह के. उसके अलावा द स्टीयरिंग डैम्पर ऑन दिस मोटरसाइकिल इज इलेक्ट्रॉनिक सो यू वॉन्ट सी इट. गुड मोटरसाइकिल. आई डोंट नो इफ वी विल बी एबल टू राइड दिस. अगर कोई फ्रेंड खरीदता है इस बाइक को तो फॉर श्योर वी विल राइड इट फॉर यू नो डे एंड नाइट बट अभी तो दिस बाइक इज जस्ट फॉर द शोकेस ऑन द शोरूम फ्लोर. तो सॉरी फॉर दैट कांट राइड इट बट या आई कैन मेक यू हियर दिस वंस मोर एंड फिनिशिंग द वीडियो. सो दिस इज द की. वी प्रेस इट. यहाँ पे ये दिखाएगा कि सिग्नल सेंड हुआ है. देन वी क्लिक दिस बाइक विल बी अलाइव एंड देन स्टार्टेड.